डिस्कवरी हुई है आज से कम 100 साल पहले हुई है, इट इज अराउंड मोर देन 100 ईयर्स, 1906 और के आसपास। अंस लेकर करके ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है, फ्रीक्वेंसीज है या रेडिएशन है, उसको फाइंड आउट करना था, उसके रेडिएशन को समझना था, इसलिए उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट की सोच की। अंस लेकर ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट, ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसका डिस्कवर किया। और जब उन्होंने डिस्कवर किया तो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे था, इसको लेकर लाइंस बोलते हैं, सेम है जैसे ये दो लाइंस है वैसे, पर इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट था वो। फिर उसके बाद अलग उसके वर्जन आए, ये ऐसा भी था। और अब जो फाइनल इंस्ट्रूमेंट जो बन के आज फिलहाल यूज होता है वो इस फॉर्म में, हैंडी फॉर्म में। तो इसका शोध हुआ है डॉक्टर रेने नकासिया, ये पेरिस के है, फ्रांस के डॉक्टर, उन्होंने आज से 40 साल पहले इसको इस फॉर्म में लेके आए, अभी के जो मॉडर्न वर्जन में, ये इसका अभी का मॉडर्न वर्जन है जिसको हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। तो डॉक्टर रेने नकासिया का हिस्ट्री कैसे है कि ये खुद इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है, एयरक्राफ्ट वगैरह के वो इंजीनियर थे, उनका ये फील्ड से कोई ताल्लुकात नहीं था एनर्जी साइंस से। जो आपको मैंने दिए है लेकर एंटेना के साथ, एक उसमें वायर अटैचमेंट है और एक उसमें मास है। मास और जो वायर अटैचमेंट है उसका यूज ज्यादा करके जब हम ह्यूमन एनर्जी सिस्टम पे काम करते हैं, तो वहां पे जब हमको एनर्जी मेडिसिन की एनर्जी को जब बॉडी में ट्रांसफर करना है और हमें, तो उसके लिए उसका ज्यादा यूज होता है। वास्तु में जब हम काम करते हैं तो सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट काम ज्यादा यूज करते हैं, लेंथ कम होने के कारण ये इतने ही इसमें 20 सेंटीमीटर के स्केल में जितने हमको रेडिएशन चेक करने हैं अपने बॉडी में या वास्तु में या किसी ऑब्जेक्ट के, वो सब इसमें आ जाते हैं पूरे वर्ल्ड के। हाईली एक्यूरेट है ये, इजीली फोल्ड करके आप पॉकेट में लेके जा सकते हैं। इट इज स्पेशल डिवाइस जिसमें आप खुद का भी एनर्जी चेक कर सकते हैं, यानी कोई और नहीं है और आपको खुद का एनर्जी चेक करना है तो वो भी इसमें स्पेशल है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे। Its high quality permits him to tune energy channels in human object and space. ये आप tune कर सकते हैं अलग-अलग frequencies पे रख के कि आपको क्या particular चीज check करना है, particular organ check करना है, particular chakra check करना है, या समझो आपके पास कोई चीज लेके कोई आया है तो वो चीज वाकई में अच्छी है कि वो खराब है या negative है, तो वो भी आप इससे check कर सकते हैं। ये minimum energy है जो किसी भी चीज में होनी चाहिए, it has to be minimum in any object. जो भी आप अपने पास रख रहे हैं या कोई आपको गिफ्ट दिया है कोई भी चीज, या आप खरीद के लाए हैं या आपको किसी को देना है, उसमें मिनिमम ये एनर्जी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट या वो चीज नेगेटिव है, वो आपके काम की नहीं है और आपके वो एनर्जी सिस्टम को बिगाड़ सकती है, वो डैमेज कर सकती है। यानी टू फाइंड वेदर एनी ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव टू यू और एनीवन एल्स, इट हैज टू हैव मिनिमम 2.5 का एनर्जी। बस उधर छोड़ दो, वापिस से नया पोजीशन लो ऊपर और नीचे लेके आओ तो वापिस वो घूमेगा। ये जो ना थोड़ा स्ट्रेट नहीं है तो आपका ग्रिप, यानी जो अंगूठे से प्रेस करके आप लेते हैं वो थोड़ा आपको और, हाँ तो वो स्ट्रेट हो जाएगा।